वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कि इंस्पेक्टर पोस्ट एग्जामिनेशन के सिलेबस में। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मैनी मैनी एग्जामिनेशन जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आता है, एंड मे बी आई एल बी एबल टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स टू यू एंड मे बी दे विल बी हेल्पफुल टू यू। सो आप इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा कल हमने येस्टरडे वी हैड अ लाइव क्लास रिगार्डिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 टू क्लियर योर डाउट्स अबाउट मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ एंड फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट्स। आप प्लीज जाएं एंड यू शुड वॉच दैट लाइव वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर टुडे ऑल्सो। दिस इज द सिलेबस दैट बेसिकली वी आर हैविंग एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। सेक्शन 1, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, 8, चैप्टर 3 के ये वाले, चैप्टर 4 के ये वाले और चैप्टर 5 के ये वाले, इतने सेक्शन हमको पढ़ने हैं एज फार एज दिस एग्जामिनेशन कंसर्न। अगर ये सेक्शन किसी और एग्जाम में रेलिवेंट हैं, रेलिवेंट जैसे इंडियन एविडेंस में रेलिवेंसी की बात करते हैं, इफ इट इज रेलिवेंट यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हाईली रिकमेंड कि आप सेक्शन 3 और 4 को भी जरूर पढ़िएगा। सेक्शन 2 तो रिपीट हो चुका है बट सेक्शन 3 और 4 को आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि उसके अंदर जो डेफिनेशंस नहीं, यहां इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, वो इंटरप्रिटेशन आगे की चीजों को पढ़ने में बहुत ईजी कर देती हैं। सो हियर वी स्टार्ट विद इट एंड हियर इज द पीडीएफ ऑफ दिस। आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऑब्टेन कर सकते हो, मैंने अपनी ऐप पे भी अपलोड कर दिया है। टू रिक्वेस्ट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इनफैक्ट 3 रिक्वेस्ट। फर्स्ट इज प्लीज लाइक द वीडियो, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स इज एड्यूथाला ऐप इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। आप जाएं वहां बैच ज्वाइन करें, इसका टेस्ट कल मैं कंडक्ट करूंगा छोटा सा, आप प्लीज उसको सीरियसली लें। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इज अबाउट प्रिलिमिनरी। यहाँ सिंपल सी बात कही है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये मतलब ओरिजिनल वाले एक्ट में से उठाया है इस पीडीएफ में, बट द एक्ट इज कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाली चीज ना, ये आप यहाँ से बिल्कुल भूल जाइए, ये वाला मैटर अब नहीं है। दिस एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज बनती है दैट इट एक्चुअली एक्सटेंड्स टू ऑल इंडिया एंड इट अप्लाइज टू वॉट, इट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, वहां की बात नहीं की गई है, यहां कहा गया है अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ये ब्रैकेट पूरा छोड़ दीजिए, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मैंने कल बताया था क्या होता है, आर्बिट्रेटर मीन्स जो मध्यस्थ होता है, मीडिएटर जो होता है, उसके केस में एप्लीकेबल नहीं होता। कोर्ट में जो एफिडेविट देते हैं हम लोग, घोषणा पत्र एफिडेविट देते हैं जो, उसके केस में भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये एफिडेविट वर्ड, ये आर्बिट्रेटर वर्ड और ये वर्ड कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा बिकॉज इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिस थिंग मे वेल बी आस्क्ड टू यू एंड इट इंक्लूड्स कोर्ट मार्शल्स अदर देन कोर्ट मार्शल्स कन्वीन अंडर द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट और द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयरफोर्स एक्ट। मतलब इन एक्ट से डिफाइंड, इन एक्ट से गाइडेड जो कोर्ट मार्शल्स हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। इनके अलावा अगर अदर कोर्ट मार्शल्स हैं जिनमें ये एक्ट अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, देन द इंडियन एविडेंस एक्ट इज फुल्ली एप्लीकेबल। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो पार्ट। यहां से 3-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। हम आगे चलते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे पास है चैप्टर 2, द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। मैंने कल समझाया फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है एंड रेलिवेंसी क्या होती है। मैं एक बार रिट्रिएट कर देता हूं आप लोगों के सामने। फैक्ट मीन्स किसी चीज के ऊपर जो बात हो रही है, फैक्ट। जैसे मैंने बोला I teach you guys on YouTube, मैं आप लोगों को YouTube पे पढ़ाता हूं, ये एक फैक्ट है। जैसे ही द मोमेंट यू डिस्प्यूटेड दिस फैक्ट, यू सेड नहीं सर हमें YouTube पे नहीं Zoom ऐप पे पढ़ाते हैं, नहीं सर आप YouTube पे नहीं पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो कहां, आप पढ़ाते हो हम लोगों को Zoom ऐप पे। सो द फैक्ट वॉज दैट आई एम टीचिंग यू ऑन YouTube एंड दैट फैक्ट वॉज डिस्प्यूटेड कि नहीं सर तो Zoom ऐप पे पढ़ाते हैं। ये होते ही दिस बिकेम फैक्ट इन इशू। इशू मतलब जारी करने वाला इशू नहीं है यहां पे, यहां इशू से मतलब है मसला,
मुद्दा, अब ये बन गया मुद्दा। सो कोर्ट के सामने फैक्ट इन इशू हो गया, फैक्ट इन इशू। जैसे मैंने कहा मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, आपने कहा नहीं सर आप तो जूम ऐप पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे हो गई लड़ाई, यहाँ हो गया झगड़ा, चप्पलें चल गई, डंडे चल गए, भाई सर तो यूट्यूब पढ़ाते हैं सर जूम पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे चीज हो गई फैक्ट इन इशू। रेलिवेंसी से क्या मतलब है, ये बात कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, दैट आई एम टीचिंग यू ओवर यूट्यूब, और आई एम टीचिंग यू ऑन जूम ऐप, ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू प्रूव द फैक्ट, इस डिस्प्यूट को, इस इशू को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो भी फैक्ट्स हैं उनको रेलिवेंट फैक्ट कहा जाता है। सच दैट यू मे प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट माई यूट्यूब रिकॉर्डिंग, YouTube के ऊपर यू वुड शो माई वीडियो टू द कोर्ट दैट नहीं सर तो YouTube पे पढ़ाते हैं, सर टीचेस ऑन YouTube प्लेटफॉर्म, दिस इज अ रेलिवेंट रिकॉर्ड, सो दिस इज कॉल्ड रेलिवेंसी। रेलिवेंसी मीन्स ऐसी सभी चीजें जो इस फैक्ट से रिलेटेड हैं, एंड द फैक्ट्स बिकम फैक्ट्स एन इश्यू व्हेन इट इज डिस्प्यूटेड। आगे चलते हैं, ये जो 5 से लेके कुछ आगे के सेक्शन है चैप्टर 2 में, यहाँ यही बताया गया है कि भाई फैक्ट्स से रिलेटेड चीजें क्या क्या हो सकती हैं, वॉट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू फैक्ट्स, और यहां कहा गया है वॉट ऑल थिंग्स विल बी कंसिडर्ड, उनको माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि वो फैक्ट से रिलेटेड हैं। यानी जैसे मैंने आपसे कहा माई प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑन यूट्यूब विच इज ऑलरेडी अवेलेबल विल बी अ रेलिवेंट थिंग। सो यहां पे बताया गया कि जो जो फैक्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं, इसको प्रूव किया। आई एम गिविंग यू अ क्लियर गाइडलाइन, you are preparing for any examination, if the evidence act is in your course, is in your syllabus, you must read these examples, they are conclusive examples, in examples ke base pe they have made the full evidence act, so you are supposed to read all the illustrations given, evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are herein declared to be relevant and of no other। simply वाली बात कह रहे हैं कि भाई evidence देना है किस चीज के लिए देना है, ऐसी सारी चीजों की जो जिनकी existence के बारे में बात हो रही है या जिनकी non existence की बात हो रही है। यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि YouTube पे सर पढ़ाते हैं, non existence का है, नहीं सर YouTube पे नहीं पढ़ाते हैं, फैक्ट इन इशू के बारे में जो भी रेलिवेंट चीजें हैं उनकी यहाँ पे मेंशन की जा रही है, एंड सच अदर फैक्ट्स एज आर हियरहेफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट एंड ऑल अदर थिंग्स विच आर रेलिवेंट टू व्हाट, टू फैक्ट इन इशू। यहां हम आगे देखेंगे एग्जांपल तो हम एकदम क्लियर हो जाएगा। सी ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ए ने बी को मर्डर के लिए, ए को बी के मर्डर के लिए एक्यूज किया गया है, ट्राई किया जा रहा है कोर्ट में। भाई इन्होंने क्या किया था, बी को मारते हुए मारा था, क्लब से मारा था, डंडा ले लेते हैं, डंडे से मारा था। इनकी इंटेंशन क्या थी, उसकी डेथ करना, उसको मार देना जान से। एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। ए का जो ट्रायल हो रहा है, ए को जो कोर्ट में है, उसमें ये फैक्ट्स इशू हैं। क्या फैक्ट है कि भाई ए ने बी को मारा था, एक तो ये फैक्ट है जिसके ऊपर मुद्दा है, क्योंकि ए तो कह देगा मैंने तो नहीं मारा, नो सर आई हैड नो फाइट विद हिम, आई एम गंगाधर शास्त्री, आई डू नॉट फाइट एट ऑल। सो ए विल से नो सर आई नेवर बीटेड ए, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई उससे। तो ये फैक्ट एक फैक्ट इन इशू बन गया, क्या कि ए ने बी को मारा था, क्लब से मारा था, ए ने जो बी को मारा था उसकी वजह से बी की डेथ हुई है, ए कॉजिंग बीज डेथ बाई सच बीटिंग एंड एज इंटेंशन वॉज टू कॉज बीज डेथ। अब इसमें एक बात फिर से हम रिट्रिएट कर समझ लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट है अगर मैं इसमें कहूं कि ए ने बी का मर्डर किया उसको मारते हुए डंडे से और उसको चाहता था कि वो बी की हत्या कर दे, ही वॉन्टेड टू किल हिम, दिस इज अ फैक्ट। इफ दिस इज अ फैक्ट एंड ए डिनाइड कि नहीं आई हैवन डन एनीथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इट बिकम्स फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रियलाइज। वो बोल रहा है कि आपने कोई केस किया और जो फर्स्ट हियरिंग थी आपने उस फर्स्ट हियरिंग पे वो डॉक्यूमेंट जो था वो प्रोड्यूस ही नहीं किया, आप लेके ही नहीं आए उस बॉन्ड को जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे थे इस केस के अंदर। दिस सेक्शन डज नॉट अनेबल हिम टू प्रोड्यूस, यहां पे आएगा प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अरे बाद में लाने नहीं देंगे हम आपको, जब आपने कोर्ट केस किया था
और उस कोर्ट केस को करने का आधार, द बेस ऑफ दैट कोर्ट केस वॉज वॉट, दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, एंड यू हैवन प्रोड्यूस इट एट द फर्स्ट हियरिंग, देन सब्सिक्वेंटली दिस सेक्शन डज नॉट अनेबल यू टू प्रोड्यूस दैट इन अ लेटर लेटर कंडीशन. ओके, चलिए सेक्शन नंबर 6, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन. मैंने आपको फिर बोला कि हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं कि भाई कोई भी अगर हादसा हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वो जो फैक्ट है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं. जैसे हमने कहा यहाँ पे ए ने बी को मारा है, ये रेलिवेंट है, ए ने बी को मारने की इंटेंशन थी, ये रेलिवेंट है, डंडा यूज किया, ये रेलिवेंट है. ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं सेम ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन से मतलब यहाँ फाइनेंशियल या यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं है. दिस डजंट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूपीआई ट्रांजेक्शन और अ ट्रांजेक्शन एट रेस्टोरेंट और समथिंग. अ ट्रांजेक्शन मींस एक इवेंट हुआ है, कोई भी एक चीज है, एक पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट हुआ है, और उस इंसिडेंट से रिलेटेड सभी चीजें, उस इंसिडेंट से रिलेटेड सभी चीजें जो हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में मानी जाएंगी. इट विल बी रेलिवेंट टू दैट फैक्ट. फॉर एग्जांपल, यू हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी टेस्टी डोसा, मसाला डोसा. सो That मसाला डोसा उसको बनाने के लिए यू वुड हैव यू नो आपने गैस स्टोव भी जलाया होगा, दैट वो बड़ा वाला जो होता है इस पर डोसा बनाते हैं, आपने उसका स्टफ भी डाला होगा, यू वुड हैव यूज्ड स्पाइसेस इनटू इट, यू वुड हैव हैड आलू पटेटो मैश पटेटो, यू वुड हैव हैड अनियंस, ऑल दीज फॉर्म ट्रांजेक्शन ऑफ मेकिंग डोसा. All of these are part of the same transaction of making dosa. This is what it's saying. कि एक event, एक incident से related जितने भी transactions हैं वो सब relevant हैं. जैसे कि आपने dosa अगर tasty बनाया है तो you have used onion, you have used potato, you have used cheese, you have used paneer, you have used spices. All of them are part of a transaction called a very very tasty dosa. डोसा खाने का मन हुआ क्या किसी का? मन हुआ तो वीडियो देखने के बाद जाइएगा, अभी पहले पूरी वीडियो कंप्लीट कर देते हैं. तो कह रहे हैं फैक्ट्स विच दो नॉट इन इश्यू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इश्यू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट प्लेसेस एंड टाइम. वो बोल रहे ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट्स इन इश्यू नहीं है. भाई किसी ने नहीं कहा कि फैक्ट्स इन इश्यू है, किसी ने नहीं कहा कि आपने डोसे में प्याज डाले थे, अनियन यूज किया था नहीं किया था, आपने डोसे में टोमेटो यूज किया था. दिस इज नॉट अ फैक्ट इन इश्यू, बट इट इज रिलेटेड टू अ फैक्ट इन इश्यू. इफ इट इज रिलेटेड टू अ फैक्ट इन इश्यू, मैंने कहा डोसा टेस्टी है, आपने कहा डोसा टेस्टी नहीं है, इट बिकेम फैक्ट इन इश्यू. अब इससे रिलेटेड था ऑनियन नहीं डाला, ये सब चीज जो भी थी, दे आर रिलेटेड टू अ फैक्ट इन इश्यू, देन दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रेलिवेंसी. सिंपल एज दैट, ये वाली बात कही. तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं आपको और इजी समझ में आएगा. डोसे डोसे से तो भूख लगनी शुरू हो गई. कह रहे हैं ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम. ए जो है बी के मर्डर के अक्यूज हैं, उनको पीटने से मारा है. वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और बाई द बाई स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इज एज टू फॉर्म ट्रांजेक्शन इज अ रेलिवेंट फैक्ट. वो कह रहे हैं ए ने बी की मार मार के हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, उस मर्डर के इवेंट से पहले ए ने या बी ने एक दूसरे को क्या कहा था, वो रेलेवेंट फैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स यू सी इन मूवीज कि आई किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज सपोज टू किल मी. मैंने किसी को गोली मार दी, आई शॉट समवन. व्हाई? बिकॉज ही वॉज अबाउट टू शॉट मी, ही वॉज अबाउट टू शूट मी. सो ही वॉज अबाउट टू शूट मी इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. उनका जो इवेंट हुआ कि मैंने किसी को क्यों गोली मारी, पलट के सेल्फ डिफेंस में मारी, सो दैट इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. व्हाट इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन? दैट ही वाज अबाउट टू शूट मी. अगर मैं उन्हें शूट नहीं करता तो वो मुझे शूट कर देते. दीज आर रेलेवेंट. सिमिलरली कह रहे हैं कि ए ने अगर बी को मारा तो मारने से पहले, बिफोर दैट बीटिंग, वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी इज ऑल्सो आर रेलिवेंट ट्रांजेक्शन. या वहां पे खड़े लोगों ने क्या कहा था वो भी एक रेलिवेंट ट्रांजेक्शन है. जैसे किसी की लड़ाई हो जाती है, लड़ाई में मर्डर्स एंड ऑल दोज इवेंट्स टेक प्लेस, देन ऑल सच हैपनिंग्स बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट, रिलेटेड टू इवेंट, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट. एक और एग्जांपल देखते हैं. चलिए यहां देखते हैं. ए इज अक्यूज ऑफ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसरेक्शन इन दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन.
ये बोल रहे हैं कि ए जो है उस पर इल्जाम लगा है कि उसने भारत सरकार के विरुद्ध वॉर कर दिए, दंगा वगैरह कर दिया है। कैसे? आर्म्ड इंसरक्शन, मतलब गन्स वगैरह के साथ, हथियारों के साथ, जिसमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है, ट्रूप्स और हमारे अटैक हुए हैं, बहुत सारी जनता की प्रॉपर्टी का तोड़ फोड़ कर दिया, ये सारी चीजें हुई हैं। द अक्रेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलिवेंट, मतलब हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, कौन ए जो है वो प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, हो सकता है कि ए इन ट्रूप्स के अटैक करने में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है ए जो है ब्रोकन ओपन करने में इन्वॉल्व हैं। ये तीन इवेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट ए इन तीनों जगह पे तो नहीं हो सकता, ए मे नॉट बी अवेलेबल एट ऑल थ्री प्लेसेस, बट ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, दैट वेरी थिंग, वॉट वेरी थिंग, दैट दंगा, दैट रियॉट। तो ऐसे केस में ये एक रेलिवेंट फैक्ट है, ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम, बट ही इज पार्ट ऑफ दिस होल ट्रांजेक्शन। और एग्जांपल्स भी दिए, आप पढ़ लीजिएगा, आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें, थोड़ी सी टिपिकल हैं बट आप उसको इजीली समझेंगे। बात सिंपल सी डोसे वाली है, अगर कोई सेम ट्रांजेक्शन होता है, कोई सेम इवेंट इंसिडेंट होता है, तो उससे रिलेटेड उसके पहले के बाद के आसपास की सारी चीजें भी रेलिवेंट हो जाती हैं किसी भी फैक्ट इन इशू में। फैक्ट्स विच आर ओकेशन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, देखिए मैंने कॉज और इफेक्ट आपको अभी समझाया, मुझे सामने वाला गोली मारने वाला था, मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में उस पर हमला किया, ये कॉज और इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, भाई अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, ये एक फैक्ट इन इशू है जो कि इफेक्ट इन इशू में रेलिवेंट है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, ओकेशन भी इसमें इंक्लूड किए, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट दैट Shortly before the robbery, B went to a fair, एक मेले में गए थे, with money in his possession, and that he showed it or mentioned the fact that he had it to the third persons are relevant. हम इल्जाम लगा रहे हैं, we are accusing A कि भाई आपने B को rob किया है, you have looted him. In such a case, ये बात relevant हो जाती है कि रॉबरी से पहले बी जो है ही वेंट टू अ फेयर और वहां उन्होंने बता दिया था कि मैं तो बहुत सारा पैसा लेके चल रहा हूं, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। क्वेश्चन की वेदर ए ने बी का मर्डर किया है, मार्क्स ऑन द ग्राउंड, ओकेशन, प्रोड्यूस बाय स्ट्रगल और नियर प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट्स, भाई जमीन पे जो निशान बने हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं अगर मर्डर पॉइंट पे हम देख रहे हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन्ड बी, ए ने बी को पॉइजन किया है, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है कि मान लीजिए ए ने बी को पॉइजन किया है, ये इल्जाम लगा हुआ है, इट्स बीन अक्यूज दैट ए पॉइजन्ड बी। अब ए ने दो दिन पहले वही पॉइजन खरीदा था जो बी को दिया गया, ए परचेज द सेम पॉइजन ड्यू टू विच बीज डेथ अकर्ड, देन इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, सच थिंग्स आर गिवन ओवर हियर, सो दे आर सेइंग ऑल कॉजेस एंड इफेक्ट्स, reactions, occasions, they all constitute facts in issue की relevancy, they all constitute it. Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, मतलब immediate भी हो सकता है otherwise, जैसे कि मैंने कहते हैं ना 6 महीने पहले, 6 months ago, I threatened you that I'll murder you, and later on ऐसा कुछ हो जाता है तो I'll this will be an otherwise event, but it will be relevant. ठीक है, बस इतनी सी बात थी, हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 8 पे, मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंटेंट। अब ये वही वाली बात हो गई, देखिए बहुत ज्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से। मोटिव क्या, बात ये है कि आपने खाना क्यों खाया, व्हाई यू हैड फूड, आपका मोटिव क्या था, पेट भरना और अपनी जो आपकी जो खाने का आपको मन कर रहा था उसको पूरा करना। यू हैड बिरयानी, व्हाई डिड यू हैड बिरयानी, बिकॉज यू वॉन्टेड इट, दैट वॉज योर मोटिव। सो दे आर सेइंग कि मोटिव जो है किसी चीज को करने का मोटिव, भाई ए ने बी को क्यों मारा, ए ने बी को क्यों लूटा, ए ने बी को क्यों किडनैप किया, इसका जो मोटिव है दैट इज अ रेलिवेंट रेलिवेंट फैक्ट। उनकी जो पार्टियां इन्वॉल्व है उनका कंडक्ट इज अ रेलिवेंट फैक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, ए बी से चिढ़ता था, ए बी और सी ऑल दे वर फ्रेंड्स, ए मर्डर्ड सी, लिसन टू मी केयरफुली, ए बी एंड सी वर ऑल फ्रेंड्स, A murdered C and B knew that A has murdered C. A, B and C. A, B and C were friends. A murdered C and B knew that A has murdered C. So B जो है वो A को blackmail कर रहा था. This conduct also forms a part of the transaction because B जो उसको blackmail कर रहा था उसकी वजह से A ने B का murder कर दिया. So B got murdered, A got accused. Then this is also the conduct of the party कि उसको blackmail कर रहा था, ये बिल्कुल relevant है। यहाँ पे हम कुछ examples देख लेते हैं।
A is tried for the murder of B. Here is the example. The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public. मतलब वो सबको बता देगा कि A ने C को मारा है. Are relevant. बिल्कुल relevant fact है. A sues B upon a bond for payment of money. B denies making of bond. A ने कहा कि भाई मेरा पैसा, इसने बॉन्ड बनाया था और A ने B पे केस किया है कि भाई मैंने आपको पैसा दिया था, उसका बॉन्ड था एक. बी ने कहा मैंने ऐसा कोई तय नहीं किया था, सौदा नहीं किया था. द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिक्ट टू बी मेक, मतलब कह रहा है कि जिस समय ए कह रहे हैं कि हमने बॉन्ड बनाया था, उस समय बी को पैसे की जरूरत थी, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है. दिस इज अ रेलिवेंट फैक्ट. ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन. द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी A procured poison similar to which administered to B is relevant. देखो यही सारी चीजें कह रहे हैं, तो आई थिंक आप इन सारे एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली एक बार पढ़ लीजिएगा. इफ यू विल रीड देम इट विल बी वेरी इजी. द क्वेश्चन इज वेदर A owes B रुपीज 10,000. एक सवाल है कि भाई क्या A जो है वो B के 10,000 रुपए का उधारी है. द फैक्ट दैट A asked C टू लैंड him मनी and that D said to C in A's presence and hearing advice you to the Orient Travel to trust A. उन्होंने कहा कि भाई A को ट्रस्ट कर लो. फॉर ही ओ इज बी 10,000 रुपीज एंड दैट A वेंट विदाउट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर आर इररेलेवेंट फैक्ट. द क्वेश्चन इज वेदर A कमिटेड अ क्राइम. A इज अक्यूज ऑफ अ क्राइम. द क्वेश्चन इज वेदर A वॉज रेविश्ड. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी. द क्वेश्चन इज वेदर A वॉज रॉब्ड. ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. एंड एज आई सेड इन एवरी एग्जामिनेशन वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस एविडेंस एक्ट एज फार एज एविडेंस एक्ट इज कंसर्न कि आप इनके सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें. चलिए अच्छा, इनमें एमसीक्यू क्या बनेंगे ना, आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे, आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे. से आपको ये वाला स्टेटमेंट दे दिया एंड दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन. दे विल गिव यू दिस एंड दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन वेदर बी ए प्रोक्योर द सिमिलर पॉइजन इज रेलिवेंट. ट्रू और फॉल्स दे मेट आस्क यू. सो दिस इज द वे दे विल आस्क यू द क्वेश्चन. एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन नंबर लाइक मोटिव कौन से सेक्शन में दिया, 8 में दिया हुआ है. वॉट एल्स इज हियर. फैक्ट्स विच आर ओकेशन कौन से में दिया, 7 में दिया हुआ है. दे विल आस्क यू सेम ट्रांजेक्शन किस में दिया है, 6 में दिया हुआ है. दे विल गिव यू एग्जाम्पल एंड दे विल आस्क यू वेदर इट इज द सेम ट्रांजेक्शन. यस बिल्कुल आपको ये चीज पढ़नी है. आगे चलते हैं. आई थिंक बी कॉम के सिलेबस में भी इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, इफ आई डोंट रिमेंबर. कहीं पर मैंने पढ़ा था किस में आता है. समथिंग आई एम मिसिंग ओवर देयर. वेट ऑन. या इट्स डन. So that part is done and now we are in part second on proof. Chapter 3rd says facts which need not to be proved. ऐसे fact जिनको prove करने की कोई जरूरत नहीं है. तो कह रहे हैं 56 और 57. देखो ये section और ये section एकदम related है. Facts judicially noticeable जो वैधानिक रूप से noticeable हैं, जिनको मतलब court देख सकती है कि judicially ये facts present हैं, इनको prove करने की जरूरत नहीं है. Now all of you, I want you to reply right now. क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो जुडिशियली भी नोटिसेबल होते हैं? Can anyone please reply? I'm waiting for a response. Can you tell me which facts are judicially noticeable? Can you please tell me? Yes, I'm waiting. Facts judicially noticeable need not be proved. बिल्कुल सही बात का. ऐसे facts जो judicially noticeable हैं need not be proved. बिल्कुल सही बात है. क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से ऐसे facts होते हैं जो judicially noticeable हैं? Can you tell me? Do you have any idea? Please reply to me. Okay. तो आपने जो भी जवाब दिया उसका आंसर मैं आपको सही करके देता हूँ. बट क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है उसको हम जरा एक बार चेक कर लेते हैं. द वीडियो लेंथ इज ऑलरेडी 24 मिनट्स. सो आई विल क्लोज इट ओवर हियर एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 3 वंस अगेन एंड वी विल गो फॉरवर्ड. सो फॉर दिस वीडियो आई एम विशिंग यू अ गुड बाय. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव में जुडिशियली भी नोटिसेबल फैक्ट होते कहाँ हैं. एक्चुअली वो आपके सामने ही है जैसे मैं आपके सामने हूँ. Until we meet in the next video, it's a bye-bye from my side.